एवन इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म की। सेकंड प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग जब टाइम में शिफ्ट हो तब यूज होती है। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज तो बहुत ज्यादा होगा। तो पहले ये प्रॉपर्टी कहती क्या है उसको देखते हैं। अगर अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, देन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स अगर मैं टाइम को शिफ्ट कर दूं बाय टी नॉट, देन उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो याद करने का तरीका क्या, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ ही बाहर आएगा, बिल्कुल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तरह। ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी नॉट होता तो वहां पे, यहाँ पे एस की जगह जे ओमेगा रख दोगे तो वही प्रॉपर्टी है बिल्कुल। अगर ये माइनस है तो माइनस, अगर प्लस आ जाए तो प्लस, फिर क्या करेंगे, एक्स टी प्लस टी नॉट। तो अगर प्लस है तो बाहर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे बस e की पावर जे ओमेगा टी नॉट, यहाँ पे बस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, ये फर्क है। अब देखते हैं एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी पे बेस। देखो हमसे पूछेगा इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, डेल्टा टी प्लस थ्री माइनस डेल्टा और टी माइनस थ्री। हमें पता है डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है वो वन। ठीक है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं डेल्टा टी का वन होता है। अब हमसे कह रहा डेल्टा टी प्लस थ्री का, तो जब डेल्टा प्लस टी प्लस थ्री लगाऊंगा तो ये हो जाएगा टी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा टी प्लस थ्री का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी नॉट की वैल्यू है कितनी, तीन। ठीक है, तो फॉर्मूले में तीन लगा दूंगा सेकेंड वाले फॉर्मूले में, ई की पावर छ ओमेगा टी नॉट की वैल्यू कितना, तीन इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा कितना है, एक्स टी, ये एक्स टी है मेरा डेल्टा टी और ये एक्स ऑफ ओमेगा वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कितना आ गया, डेल्टा टी प्लस थ्री का फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर जे थ्री ओमेगा लिख लूं। ठीक है, अगला वाला सॉल्व करते हैं डेल्टा टी माइनस थ्री के लिए, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। अब क्या क्या आ जाएगा, टी नोट की वैल्यू अगेन तीन रहेगी, इस बार बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाले में माइनस आता है, डेल्टा सॉरी डेल्टा टी माइनस थ्री का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, टी नोट की जगह तीन लगाएंगे अगेन और माइनस वाले फॉर्मूले में, तो ई की पावर माइनस वाला आएगा छ ओमेगा टी नोट की जगह तीन इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा कितना है, वन। ठीक है, ये एक्स टी है डेल्टा टी और ये एक्स ऑफ ओमेगा क्या, वन। तो यहां से हमें डेल्टा टी माइनस थ्री का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना मिला है, ई की पावर माइनस जे थ्री ओमेगा। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे लगा दूंगा जो क्वेश्चन है, तो वो कितना हो जाएगा, तो एफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ ओमेगा हो जाएगा। डेल्टा टी प्लस थ्री का कितना आया, डेल्टा टी प्लस थ्री का ई की पावर जे थ्री ओमेगा माइनस, ठीक है बीच में माइनस है इसका, माइनस डेल्टा टी माइनस थ्री कितना, ई की पावर माइनस जे थ्री ओमेगा। ठीक है, कभी कभी ये आंसर देखने को मिलेगा, या क्या कर सकते हैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, ई की पावर जे थीटा माइनस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू जे। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म है इसमें सेम है, ई की पावर जे और थीटा जे थ्री ओमेगा दोनों में। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टू जे से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एफ ओफ ओमेगा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दे रखा e की पावर थ्री जे ओमेगा
माइनस ई की पावर माइनस जे थ्री ओमेगा, इसको मैं क्या करता हूँ 2j से तो डिवाइड कर देता हूँ, और 2j से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बन गया, अब थीटा की जगह कितना है 3 ओमेगा, यानी 2j sin 3 ओमेगा, ठीक है। क्योंकि यही तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो क्या मिलने वाला है तुम्हें, वो सीधा सीधा आंसर में देगा, हमेशा साइन के टर्म में बना के देगा, ठीक है। तो 2j sin 3 ओमेगा ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मान, मतलब कहने मतलब ये भी देखने को मिलेगा, ऑप्शन के हिसाब से चलना, या तो फिर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। दोनों आंसर पॉसिबल है, बस देखो इस प्रॉपर्टी इस हमें सीखना था कि कैसे हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने सीखा इसमें, इसी तरह से हम एक एक प्रॉपर्टी को आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।